मेरा तिब्बा, एंड यहाँ पे जब दशहरे के टाइम पे ऊपर राजा बैठते थे और नीचे जो स्टेज है वहाँ पे सब अपने कलाकार जो होते हैं वो अपनी करतब दिखाते थे। एंड तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे, और ये देखिए कितने बड़े बड़े स्टोन से बनाया हुआ है, वो आपको शूट में इमेज दिखा देंगे, हम वो क्लिप्स डाल देंगे। तो अभी हम अंदर लेके चलते हैं आपको। देखो बुआ कहाँ चढ़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं इतने ब्यूटीफुल पत्थरों से बनाया हुआ, और अभी हम आपको लेके जाएंगे ऊपर। अनुराग अपनी शैतानी कर रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, ये बड़ा ही सुंदर। तो ये देखिए गाइस हमारे पीछे, इट्स लुकिंग लाइक अ स्टेज, पत्थरों का ब्यूटीफुल स्टेज, एंड कुछ इस तरीके का दिखता है चारों तरफ फुल ग्रीन। एंड अनुराग जी हमेशा की तरह शैतानी करते हुए, वो देखो कहाँ भाग गए वो, उनको ये कोई लेना देना नहीं है, इतनी ब्यूटीफुल चीज है, बस सीढ़ियाँ मिल गई उसी में खुश है, उसी में खेलना शुरू हो गया, भगा रहा है बुआ की परेड करा रहा है। एंड ये देखिए फिर से हम आपको ग्राउंड व्यू दिखाते हैं। दैट इज अ झूला, स्लीपिंग सो गुड। यस, तो आगे चलती है, आगे और भी बहुत कुछ है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। आने वाले दशहरे में इधर प्रोग्राम भी होता है, हाँ, महानवमी दिब्बा, इसी के बारे में कह रही थी मैं। गाइस अगर आप आ रहे हैं, अगर आपके छोटा बच्चा है तो सोच समझ के आए, कोई एक केयर टेकर लाए साथ में, क्योंकि बच्चे तो बस यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, थोड़ा ध्यान भी देना ज़रूरी है, बिकॉज सब कुछ पत्थर का है, तो इट्स डेंजरस, अगर गिरे तो चोट लग जाएगी। एंड ये मम्मा रेस्ट कर रही है, ये देखो सीढ़ी बनी हुई है स्टेज के लिए जाने के लिए। हम हिम्मत करके ये स्टेप्स चढ़ेंगे अब, थोड़ी एक्सरसाइज करते हुए। यहाँ पे आप आओगे ना तो आपका आधा जिम हो जाएगा, 15 दिन का जिम हो जाएगा। यस, क्योंकि सुबह से शाम तक आपको घूमना ही घूमना है, एंड सब कुछ हिस्टोरिकल है, तो ऐसी जगहों पे तो हमें आई, ओह माय गॉड इट्स ब्यूटीफुल। या ये देखिए यहाँ से व्यू देखो, क्या बात है, वाओ। हम अभी सबसे ऊपर है जहाँ, यहाँ पे राजा, सॉरी सांस चढ़ी, तो यहाँ पे राजा अपनी कमांड देता था, और वहाँ पे प्रजा इशारों के नाम वहाँ पे। वो देखो अनुराग जी दादी के साथ, आपको मैं राउंड व्यू दिखाऊंगी।
there you can see some orange color paint temple right on that hill. Yes, that's the place called, that is called Anjanadri Hill, and that's the place where Hanuman got birth. Oh, through Kamalapur over there. Okay, and from there you can go early morning at 6 o'clock. And you have to take 565 to 600 step. Okay, to okay, and that's a beautiful place. You have to go early morning, 7 o'clock. Okay, okay. Okay, thank you so much. हेलो गाइस, तो आपने ये जगह ना एक्चुअली देखी होगी मूवीज़ में, कहीं पे भी आपने देखी होगी, देखना हिंदी मूवी याद आया कुछ? याद आया तो कौन सा हीरो? एक और क्लू देते, अक्षय कुमार। हाँ, तो आप कमेंट करके बताइए कौन सी मूवी का है वो गाना, कमेंट करके बताएं कौन सी मूवी का है। और एक और जगह हम जाएंगे, वो भी आपको देख के एकदम से ड्रिंक होगा कि हाँ ये तो देखी हुई है। चलो आगे दिखाते हैं आपको। मौसम बड़ा अच्छा है, धूप नहीं आ जाएगा आपके। चलिए, स्विमिंग पूल, पुराने जमाने का स्विमिंग पूल है। पानी है उसमें? पानी होगा शायद। अच्छा, बारिश हुई है, पानी समझ गई। हाय, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये अनुराग, ओह वाओ, चुनो देख के देखो। This is the place. This is the place. एक पाइपलाइन है जो पत्थर से बनाई हुई है, तो डैम से वहाँ से पानी डालते थे, तो यहाँ से ऐसे करके स्विमिंग पूल में जाता था। चलो। और ये काफी टिकाऊ है, कर्व पत्थर से बनाया है। और ये है हेमंत जी। हेलो, कैसा लग रहा है गाइस आपको? एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हो तो कमेंट करके बताएं कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी। हाँ, तो अगर हम कोशिश करेंगे कि ब्लॉग में सारा बनाएं, अदरवाइज हम इसको सीरीज पार्ट वाइज बनाएंगे, बिकॉज काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलो चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। चीज दैट वो देखते हैं आगे कौन सा है, कौन सा। यहाँ पे सब नियर बाई है, ऑलमोस्ट 100-200 मीटर पे एक एक प्लेस है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं। अभी हम निकल रहे हैं, बस थक गए, काफ़ी दिनों बाद इतना वॉक किया है। अब थोड़ा सोचे हैं जहाँ पर पानी वाली जगह है वहाँ थोड़ा ठंडक और ज़्यादा रहती है, तो वहाँ बहुत मज़ा आता है, तो वहाँ लेके चलते हैं आपको, ताकि अनुराग भी इंजॉय कर ले। लेट्स गो। या 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 नेक्स्ट डेस्टिनेशन। या वी गो।